गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लेसन क्लास सेवन्थ लेसन फोर करेंगे हिंदी का, जिसका नेम है कठपुतली और इसके राइटर का नेम है, कवि का नेम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज़ाद हर कोई होना चाहता है, क्योंकि पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं है। पराधीनता क्या है? पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देती है। पराधीन व्यक्ति ज़्यादा, मतलब कि पराधीन व्यक्ति, दूसरों के चंगुल में हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। पराधीन तो होता है दूसरों के अधीन रहना। तो कवि कहता है कि यदि हम आज़ाद हो जाएं, तो उसके साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज़ादी पाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। यदि हम आज़ादी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का हमें एहसास होता है, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, तो उसे ही वही स्वतंत्रता का सही उपयोग कहा जा सकता है। तो इस लेसन में कठपुतली के माध्यम से भी कवि ने यही बताया है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये दागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कठपुतली है, एक कठपुतली है जो बहुत सारे दागों से बंधी हुई है, यदि उसे हिलना है वो भी धागों की मदद से, और यदि उसे ढूलना है वो भी धागों की मदद से। तो उसे चलाने वाला कोई दूसरा आदमी है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसके दोनों हाथों में तीन चार धागे हैं, और इसे चलाने वाला जो पर्दे के पीछे व्यक्ति होता है वो इसे खुद चलाता है। तो इसे चलाने वाला कोई दूसरा आदमी है जैसे। तो कठपुतली को गुस्सा आता है, वह कहती है क्यों बंधे हैं ये मेरे आगे पीछे धागे, कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर खुला छोड़ दो। क्योंकि कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वह पराधीन नहीं रहना चाहती। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब वह कठपुतली स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करती है, तो उसकी ये बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी कहती हैं कि हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती है कि हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमने अपनी मनमर्जी किए, यानी जैसे सदियाँ बीत गई हों, और हमारे हाथ पैर हैं, हम भी हाथ पैर हिला सकते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब पहली कठपुतली पर बाकी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आती है, तो वह कहती है कि अचानक से ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। जो पहली कठपुतली थी वो सोचती है कि अचानक से मेरे मन में कैसी इच्छा जगी है, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी वह स्वयं ले सकती है, लेकिन बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी कैसे ले। तो जो हमारे राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इसमें इन्होंने यही बात कही है मेन, कि जो कठपुतलियाँ हैं वो धागों में नहीं बंधी रहना चाहती, वो आज़ाद होना चाहती है, क्योंकि उनके सामने स्वतंत्रता को साकार करने वाली यानी चुनौतियाँ हैं। तो वे दूसरों के इशारे पर नाचने से इन कठपुतलियों को दुख होता है, और इसी दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतलियाँ विद्रोह करती हैं, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। क्योंकि जब वो सोचती हैं कि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, वो सभी स्वतंत्र रहना चाहती हैं, पराधीन रहना नहीं चाहती हैं। तो लेकिन जब कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, जो पहली कठपुतली होती है जो विद्रोह करती है, तो फिर वह भी सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है, कि वह अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले सकती है, लेकिन बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इसी उससे वो सोचती है अचानक कि उसके मन में यह इच्छा कैसे जगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी जिसका नेम है कठपुतली, जिनके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी कविता है और बिल्कुल, मतलब कि भाव मीनिंगफुल कविता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।